तो देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि हर बार एंट्री कम से कम कैसे रिफंड मतलब उतना जितना लगा उतना ज़रूर आए जैसे कोई भी गेम है मैं दिखाता हूँ आप लोग एकदम ईज़िली समझ जाओगे ठीक है देखो मिसाल कैसी है जैसे मेरी ये टीम है छत्तीस छत्तीस वाले कॉन्टेक्स लगा हर में मेरा विन है देखो हर कॉन्टेक्स में मेरा विन है विन कब है देखो इसमें मेरे में कमिन्स नहीं है अगर आप लोग कह दो कमिन्स निकल कल तीन विकेट मारे तब भी मेरी टीम विन आई है मेरा वी सी फ्लॉप है तब भी मेरी टीम हर उसमें रैंक में विनिंग जोन में है पैंतीस का साठ रुपये मिला मतलब टोटल मैं कल कितना जीता हूँ पाँच सौ उन्तीस रुपये ठीक है ठीके? तो कैसे करते हैं देखो कमिंस कल तीन विकेट पाया उसका रिजल्ट ये दिखाता हूँ बैट कमीन्स सत्तासी पॉइंट पाया है चार ओवर में तीन विकेट पाया है तब भी मेरी टीम विनिंग जोन में रही है और एक टीम ये देखो डबल कॉन्टेक्स में तो इसमें मेरी टीम विनिंग जोन में नहीं रही है कमिंस है तब भी नहीं है क्यों नहीं है उसके रीजंस में बताता हूँ बहुत ईजिली आप लोग समझ जाएंगे हर बार जितना पैसे लगेंगे वो तो आपका आएगा ही आएगा चाहे वो उनचास रुपये वाली लीग हो चाहे वो कोई भी कॉन्टेक्स हो वो केवल सिंगल इंडिविजुअल वाला रहता है ना जैसे सत्ताईस में सत्तर पैंतीस में नब्बे उसमें भी आप यही ट्रिक आजमाओगे तो आपका हमेशा भी नहीं होगा क्या ट्रिक है मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको जब भी टीम बनाना है तो उसमें ये देख ध्यान देना जैसे ये टीम है कोई भी जो प्लेयर बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड परसेंटेज है उसको कभी भी नहीं ड्रॉप करना है ठीक है बड़ा प्लेयर है रोहित अपने को पता है फॉर्म में नहीं है पूरे टूर्नामेंट में लेकिन मुंबई एक तो के खिलाफ उसका रिकॉर्ड अच्छा था इस वजह से मैंने वी सी दिया था वहां मेरा मन ईशन किशन को ही था तो आपको बड़े प्लेयर को कभी भी नहीं ड्रॉप करना है जैसे देखो ये वाले कॉन्टेक्स में मेरे जसप्रीत बुमराह नहीं है क्यों बड़ा प्लेयर है मैंने रिस्क लिया कि शायद इस ग्राउंड में फास्टर विकेट नहीं पाते मेरे को एड था ठीक फास्टर विकेट पाते हैं दो फास्टर पाते हैं पहले इनिंग में तो मैंने सैम और को ट्राई किया था साथ में अश्विन को डाला था कि एक विकेट तो रहेगा एक लेगा उसने काम कर दिया कभी भी बड़े पिल्लर को ड्रॉप करोगे अगर उसने दो विकेट लिया तो आपकी एंट्री कभी भी, भी जिंदगी में नहीं आएगी और थोड़ा एवरेज पिलर को ड्रॉप करोगे जिसका सिलेक्शन परसेंटेज फिफ्टी के नीचे है या आलमोस्ट फिफ़्टी फाइव के नीचे है उसमें से अगर उसने थोड़ा भी प्रदर्शन भी कर दिया अगर विकेट भी पा गया तब भी आपकी एंट्री कोई नहीं रोक सकता एंट्री तो आने ही आना जैसे देखो मैंने कमिन्स को नहीं लिया इसमें क्यों नहीं लिया था मैंने कंसिक कमिथ का सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम था और उसके बाद दूसरी बात यह कि उसका जो वो चल रहा है ना बी टाइम वो इतना अच्छा नहीं था केवल मुंबई क्लब्स ने दो मैच जीता एक में पंद्रह में साठ पचास मारा था फास्टेस्ट शिफ्ट ऑफ आई पी है और देखो साउथ को मैंने इसलिए लिया था क्योंकि साउथी का सिलेक्टेड परसेंटेज यहाँ पे देखो साउथी की जहाँ फोटो बनी उसके बाजू में चौहत्तर परसेंट तेज था तो मैंने सोचा इसको ड्रॉप करना रिस्क है अगर मैं साउथी को ना लेता कमिनस को लेता इन केस और साउथी तीन विकेट ले लेता तो एंट्री मेरी कभी भी ना थी क्योंकि इसका सिलेक्टेड परसेंटेज ज़्यादा और सब लोग इसको लेके आएंगे ही आएंगे इस वजह से कभी भी टीम बनाते वक्त ये ध्यान रखना ठीक है जसप्रीत बुमराह आउट ऑफ फॉर्म में फिर भी मैंने लिया लेकिन आज तो उसने कमाल ही कर दिया बेस्ट था आज तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है कैसे बनाना है जैसे लखनऊ का और गुजरात का मैच है ठीक है क्रिएट टीम क्या इसमें से देखो राहुल एट्टी फोर आए ग्रैंड लीग की बात नहीं कर रहा हूँ ग्रैंड लीग में आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपको इंट्री रिटर्न चाहिए तो उसमें भी आप मत रिस्क लो ग्रैंड लीग तो मतलब पूरा लक का गेम है ठीक है उसमें भी आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो राहुल को या उसको लेकिन तब भी उसमें इंट्री नहीं आएगी अगर राहुल बीस रन भी मारेगा तो एंट्री नहीं आएगी अगर आपको एंट्री चाहिए तो राहुल को रखना पड़ेगा डी साह कड़क जितने भी प्लेयर साठ परसेंटेज के ऊपर है उनको सबको मैं पहले डाल देता हूँ ठीक है साठ के ऊपर वाले का डाल देता हूँ अस्सी सत्तर अठहत्तर साठ अब मेरे दस पिलर हो गए ठीक है जो साठ के ऊपर एक पिलर है जो मेरे को रखना है वो अपने मन का तुम कोई भी अपने ग्राउंड के हिसाब से या तुम्हारा आपका पर्सनल इंडिविजुअल क्या मन है कि ये आज चलेगा ये नहीं चलेगा तो इसमें जो तो गुनाल बढ़ना तो हट ही गया क्योंकि क्रेडिट की दिक्कत है इतने पिलर मेरे को सबको हट मतलब रखना ही पड़ेगा अब एक पिलर में मेरा मोहसिन खान पे और इस पर होल्डर पर मेरा टिका हुआ है कि मैं किसको लूँ तो होल्डर तो मतलब देखो रिकॉर्ड अच्छा होल्डर एक ही दिन विकेट पाया फिर दो तीन मैच में नहीं पाया पाता है तो लंबा देता नहीं कुछ नहीं लेकिन मोहसिन का कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं देखो सैंतालीस है, एक सौ छब्बीस एक सौ तो वो आपके लग के ऊपर आप रिकॉर्ड देख लो कौन कैसा है तो मैं तो फिलहाल अभी जैसे होल्डर के साथ जा रहा हूँ क्योंकि बैटिंग भी करता है बाउंड्री में फील्डिंग करना है और कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट करना अगर इंट्री रिटर्न चाहिए भाई मैं बार बार बता रहा हूँ एंट्री रिटर्न वाली टीम बता रहा हूँ और विनिंग जोन भी रहेगा विनिंग में आएगा आप छत्तीस जिसमें से मल्टी विनर रहते हैं जैसे दस लोग में से पाँच विनर बीस लोग में से दस विनर उसमें से तो आप लोग की टीम ये विनिंग जोन में रहेगी और आप ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ पैसा रिफंड जरूर पाएंगे जैसे मैंने राहुल को कैप्टन दे दिया अब वी सी सेलेक्टेड परसेंटेज में देखो हार्दिक पांड्या पंद्रह परसेंट बाकी सब एवरेज है तो आप ऐसा नहीं कि हार्दिक के साथ ही जाओ अगर आपका कुछ इंडिविजुअल मन है क्या डिकॉक मारेगा शाह मारेगा सुमन गिल गिल का रिकॉर्ड सेकंड इनिंग चेसिंग में बहुत अच्छा है ठीक है तो आप इसको कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं हार्दिक पांड्या के साथ जाता हूँ ये किया ठीक है ये दूसरी टीम बन गई अब यही कॉन्टेक्ट ज्वाइन कर दो।, दो टीम से मैंने कॉन्टेक्स ज्वाइन कर दिया तो इससे क्या होता है कि एकदम क्लियर अब मेरी इंट्री मतलब नाइन्टी नाइन परसेंट रिटर्न जरूर आएगी अगर राहुल जीरो में भी आउट हुआ तो इंट्री मेरी नहीं जाएगी और राहुल को मैंने ड्रॉप कर दिया उसने बीस रन भी मार दिया तो इंट्री मेरी गई काम से ये ध्यान रखोगे तो इंट्री आपकी कभी भी कोई नहीं मार सकता इसका ये रिजल्ट मैं आपको हमेशा ऐसे दिखा देता हूँ देखना कैसे कैसे मैं डेली कुछ ना कुछ तो विन करता हूँ ये दो दो कॉन्टेक्ट्स हैं तो ये वाले छोड़ दो ठीक है देखो आई में देखना केवल बाकी है कल से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मैच खेल पाँच सौ उनतीस रुपये जीता दो सौ उनतीस पाँच सौ उन्नीस एक सौ सत्तर चार सौ छः सौ पाँच सौ छः सौ छः सौ छः सौ छः सौ छः सौ चार सौ पाँच सौ दो सौ सौ रुपए सौ रुपए क्योंकि पहले कम खेलता था फिर धीरे धीरे आइडिया हुआ ढाई सौ डाए तो खेलता था आइडिया तो पाँच साल से खेल रहा खेलना उन्शाला इतना आइडिया है लेकिन पहले ग्रैंड लीग खेलता था लेकिन सोचा छोड़ो यार ग्रैंड लीग में धीरे 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 ग्रैंड लीग में पैसे जाता है एक दिन में तुम बीस हजार दस हजार सौ रुपए ऐसे नहीं तुम्हारा डेली का सौ जाएगा पचास जाएगा तुम दस टीम बनाते होगी अगर आप ड्रीम इलेवन के प्लेयर हो दस में से तुम्हारी चार टीम की एंट्री आती होगी छः की नहीं आती होगी कभी कभी आठ की आएगी दो की नहीं धीरे धीरे जाएगा लेकिन अगर आप दस टीम बनाते हो तो मेरी एक बात सुन लो यही ट्रिक लगाओ दसों टीम में से कम से कम फिर दस में से क्या करो सत्तर परसेंटेज वाला कर दो या सिक्सटी फाइव परसेंटेज के हिसाब से टीम बनाओ सिक्सटी फाइव के एब जो भी उनको सबको रखना सिक्सटी फाइव के नीचे एक दो प्लेयर अल्टरनेट चेंज करते रहो कैसे देखना बहुत गज़ब की एंट्री कभी भी नहीं जाएगी बीस टीम की बीसों की एंट्री रिटर्न आएगी कैसे बीस टीम की एंट्री लाना है? देखो राहुल डिकॉक साहा ठीक है मैं सत्तर के ऊपर वाले पहले रखता हूँ सत्तर के ठीक है खट खट बस ठीक है लेकिन देखो इतने पिल्लर हो गए ठीक है इतने पिल्लर आपको नहीं हटाने हैं बीस भीश के बीसों टीम में इतने पिल्लर रखना अगर इंट्री रिटर्न चाहिए तो इसके बाद अब आपको कोई अपने मन से कुछ तीन पिल्लर में जैसे कैसे एक दो तीन अब मुझे को चाहिए इधर के दो बॉलर तो मैं जाऊंगा अवेज़ खान एक कड़क पिल्लर है भाई बहुत पॉइंट देता है मोहसिन के साथ गया ठीक है ये टीम बन गई इधर के एक दो तीन दो पाँच बन गई टीम ये आठ पिल्लर चाहिए तो तुम इनमें से कुछ भी कर सकते हो तुम चाहो तो साहा को ट्राई कर लो तुम जाओ तो ऑलराउंडर लिस्ट में होल्डर को ट्राई कर लो लेकिन ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी हो तो ऐसे बीसों टीम में ऐसे ही बनाना है कि मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर को ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना है कम से कम पंद्रह टीम में तो ये करो पाँच ही टीम में रिस्क लो राहुल को हटाने का या इनको हटाने का तभी इंट्री कभी भी नहीं जाएगी ठीक है ये ध्यान रखना टीम बनाते वक्त और भी अगर आप लोग को कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में करें चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो थोड़ा यूट्यूब से कुछ हेल्प मिल जाती है ठीक है कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करो मैं रिप्लाई मार दूँगा ओके थैंक यू